Hello friend, today I am having a very interesting lens with me for the unboxing, and it's Skywick macro lens and 20 times zoom. So let me open it, and we have a good boxing over here with a black wrapping. आप देख सकते हैं पीछे इसमें प्राइसिंग उन्होंने मेंशन किया हुआ है. मैं थोड़ा जूम करता हूँ. स्काईविक टेक्नोलॉजी एंड प्राइस यहाँ पे शो किया हुआ है 1499. हालांकि मेरे को डिस्काउंट में मिला है. थोड़ा सा खोलते हैं. पैकेजिंग वाइज अच्छी पैकेजिंग है, और इसके अंदर खोल के देखते हैं तो काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन. ये मैनुअल्स है, ये प्रोडक्ट्स की जानकारी, जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम स्काईविक मैक्रो लेंस, टेलीफोटो लेंस एंड ऑल दोस थिंग. साइड में रखते हैं इसको. ये साथ में इंस्टाग्राम थम्सअप, सॉरी फेसबुक थम्सअप, और साथ में ये छोटे से मैनुअल. इसे आप ओपन करके देखते हैं तो उसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, पर इसे साइड में रखते हैं फिलहाल. और ये इनका इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ पर जाके अपने कोई भी फ़ोटो लेके. और ये साथ में वारंटी कार्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें 18 मंथ की वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी, और साथ में 15% ऑफ ऑन द नेक्स्ट परचेज़. तो ये काम की चीज़ है. साथ में थैंक यू. ओके, साइड में रखते हैं एंड लेट्स कम टू द मेन प्रोडक्ट. इसे ओपन करते हैं. ज़रा केस काफ़ी अच्छा है, रबर का है, और इनकेस अगर एक्सीडेंटली गिर भी जाता है ये तो आपका प्रोडक्ट सेफ रहेगा. अंदर कुशन साथ में दिया हुआ है, इसको साइड में लगाते हैं. ये लेंस है. ओके, ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, बहुत सॉलिड टाइट है. और जो लेंस की क्वालिटी भी है वो ग्लास है, नॉट अ फाइबर वन. अच्छी क्वालिटी है इसका. इसको थोड़ा साथ में साथ में इसके साथ एक पाउच दिया है, स्मॉल पाउच, जो आप कैरी कर सकते हैं ट्रैवलिंग के लिए. इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. साथ में हुक. ओके, सो ओवरऑल पैकेजिंग इसकी मुझे अच्छी लगी. क्वालिटी वाइज इट्स गुड, ड्यूरेबल है. चलिए अब कुछ को मैं इसी फ़ोन को ऊपर लग के देखता हूँ, जिस फ़ोन से मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. ठीक है, इसको लगाते हैं और भी फटाफट से कुछ ऑब्जेक्ट लेता हूँ. ओके, मैं अपनी फिंगर की कोई रिंग को जूम करता हूँ. इट्स वर्किंग फाइन. और ये छोटा सा शॉट मैंने लिया है अपनी रिंग का. हालांकि मैंने कुछ ज्वेलरी के लिए शॉट्स लेने के लिए लेंस मंगवाया है, तो इसमें हम देख सकते. मैं बाहर आ रहा हूँ इस टाइम कुछ शॉट्स लेने के लिए, कुछ आउटडोर एक्टिविटी में शॉट्स लेते हैं नाइट टाइम. लेट्स सी ये कैसे परफॉर्म करता है. हेलो फ्रेंड्स, सो आई जस्ट केम आउट टू शूट द वीडियो विद दिस मैक्रो लेंस. इसे कुछ लाइव वीडियो शूट करते हैं, और आपको क्लियरली डिफरेंस क्या है दोनों में वो मालूम पड़ जाएगा. ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा शूट करता हूँ. सो अभी हम इस पौधे के पास आ चुके हैं. ठीक है, अभी मैं इसमें मैक्रो लेंस लगा देता हूँ. अभी इसमें लग चुका है मैक्रो लेंस, अभी हम इसको जूम करते हैं. You can see the difference. और अभी वो थोड़ा बाहर आ गया तो ये भी ब्लर हो चुका है. मैं इस लेंस रिमूव करता हूँ. सो दिस इज वन विद नॉर्मल टेलीफोटो लेंस. अभी मैं नॉर्मल जूम करूँगा तो एक लेवल तक आके आपको दिखाई देगा, तो उसके बाद आके ये ज़्यादा माइक्रोशॉट नहीं ले पा रहा, अभी ब्लर है. सो अभी मैं इसको हल्का सा ऑटो फोकस करता हूँ लेंस लगाने के साथ साथ, और आप देख सकते हैं क्लियरिटी काफ़ी बेटर है क्योंकि माइक्रो लेंस इसमें लगा हुआ है. और जैसी और ये छोटा सा पत्ता जो हैंग कर रहा है इस वक्त,
मैं इसको पास लेके आता हूँ, साथ में मैंने माइक्रोलेंस अभी यूज़ किया हुआ है, सो आई कैन सी कि हाँ क्लियरिटी पूरी है, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी है। अब देख सकते हैं माइक्रोलेंस को यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। सो अभी पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है साथ में, और ये एक लाइव इंसेक्ट है जो मेरे को दिखाई दिया यहाँ पे। ये भी मेरा नॉर्मल फोटो जो कैमरे का लेंस है वो है, अभी मैं इसमें माइक्रोलेंस यूज़ करता हूँ। अभी माइक्रोलेंस मैं लगा दिया इसमें, अब इसको थोड़ा पास जाना पड़ेगा मेरे को ताकि मुझे क्लियरली दिखाई दे सके। और हाँ अभी आप देख सकते हैं, देखिए इसमें पूरी क्लियरिटी है, पूरा इंसेक्ट। अब थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, अदरवाइज कभी ये जंप ना कर जाए, वैसी लाइव इंसेक्ट है। सो अब मैं बाहर आ चुका हूँ, ब्लड हो चुका है, अब मैंने लेंस रिमूव कर दिया है। सो विदाउट लेंस आप इसको कर सकते हैं, पर थोड़ा डिस्टेंस से आपको इसको ऑटो फोकस करना पड़ेगा। और ये वो कुछ पिक्स हैं जो मैंने क्लिक करी हैं माइक्रो लेंस के साथ साथ, ये विदाउट लेंस है, विदाउट मैक्रो, और दिस इज़ द वन विद मैक्रो लेंस, अगेन आई शॉट, और ये नॉर्मल फ़ोन से क्लिक किया हुआ है। अभी अगेन मैंने जो क्लिक किया है बहुत अच्छा क्लिक आया है लेंस के साथ, और ये विदाउट लेंस के साथ। और ये इनका इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे इसका जाके पूरा आप रिव्यू और किया है, इन्फॉर्मेशन ले सकते फोटोज़ कुछ हैं। क्लिक किए हैं, आपने देखे भी होंगे, और बाकी फ़ोटोज़ जो है मैंने इंस्टाग्राम पे इनके जो लिंक है, चैनल है, वहाँ पे जाके आप और कंपेयर कर सकते हैं। बट बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी रफ एंड टफ है, और जो लेंस की बॉडी भी है वो एल्यूमिनियम की ही बनी हुई है, और साथ में ग्लास कोटेड है आपका, सो इट्स लाइक रिफ्लेक्शन वाइज कभी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आजकल कुछ कंपनियाँ ग्लास की जगह जो प्लास्टिक लेंस आते हैं उनको यूज़ करती हैं। सो इसमें लाइक द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस लेंस इज़ गुड आई मस्ट से। और बाकी जो ये यूज़ करने की बात करता हूँ तो ये उनके लिए बेस्ट है जो लाइक ज्वेलरी की फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहते हैं, या फ्लावर की, या इंसेक्ट्स की, या और भी किसी डिटेल प्रोजेक्ट की जिसमें उनको बहुत जूम करना पड़ता है और डिटेल्स जिनको कैप्चर करनी होती है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेंस। आपको क्या लगता है, ये लेंस वैल्यूएबल है या डेली लाइफ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? एक इसकी वैल्यू की बात करता हूँ, सो राइट नाउ इट इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन, मैं इसका लिंक डाल देता हूँ नीचे, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, पर मेरे को ये मिला था 790 अराउंड का मुझे मिला था, जबकि एग्जैक्टली प्राइस इसका जो है 1500 अराउंड समथिंग है इसका। सो अभी क्या डील चल रही है, मैंने ये अमेजोन की जो डील चलती है दिवाली के टाइम पे उसमें मैंने ये लिया था, सो मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं ज़रूर। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, यू लाइक माई एफर्ट्स, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय, साइन ऑफ।